किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्म है। दो बयान सुनिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। राहुल ने मोदी पर हमला बोला तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा अगर मोदी सरकार ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया तो 2019 में मुश्किल हो जाएगी। दो मुद्दे हिंदुस्तान के सामने हैं और लड़ाई है तो युवाओं और किसानों के भविष्य की लड़ाई है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। मुझे लगता है कि मोदी जी के शासन के लिए बेहद शर्म की बात है कि आज किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं और उनको अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चल के आना पड़ा। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम दीजिए, उनके कर्जे माफ कीजिए और अगर कोई किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको समय पर मुआवजा दीजिए। जितनी चिंता प्रधानमंत्री जी अंबानी और अडानी की करते हैं उससे 10% चिंता अगर किसानों की कर लें तो किसानों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और नहीं तो फिर अगली चुनाव में मोदी जी को अंबानी और अडानी से वोट मांगने पड़ेंगे। किसान किसानों की क्या प्रमुख मांगे हैं ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। किसानों का पूरा कर्ज माफ हो ऐसी उनकी मांग है। वहीं उनकी दूसरी मांग है कि फसल की लागत का 1.5 गुना उन्हें मुआवजे में मिले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए ये भी किसानों की मांग है। किसानों को पेंशन देने की भी मांग की गई है। किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। सरकार किसी की भी हो किसान की हालत नहीं सुधरी। साल दर साल देखिए किसानों का कैसे हुआ प्रदर्शन। 2016 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। 2017 में कर्ज माफी के लिए तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन हुआ था। 2018 में देश भर के किसानों का प्रदर्शन हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसेफ 5.5 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हो गए हैं। कुरियन जोसेफ उन 4 वरिष्ठ जजों में से शामिल थे जिन्होंने 12 जनवरी को ऐतिहासिक संवाददाता सम्मेलन कर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। कुरियन जोसेफ 2000 में केरल हाईकोर्ट के जज बने थे। उन्होंने 2 बार हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा संभाला था। 2010 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था और 2013 में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए थे। कुरियन जोसेफ ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अफसोस नहीं है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस संस्था के हित के लिए किया गया था।
कुरियन जोसेफ उन चार जजों में शामिल थे जिन्होंने प्रेस वार्ता कर दीपक मिश्रा, तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। शुक्रवार को उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, अपने कार्यकाल से रिटायर हो गए। बकायदा उनका विदाई समारोह हुआ जिसमें केक काटकर उन्होंने सबका अभिवादन किया। हैदराबाद में कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पाकिस्तान यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। सिद्धू ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी ने ही पाकिस्तान भेजा था। उन्होंने कहा कि मेरे कप्तान राहुल गांधी हैं, उन्होंने ही मुझे हर जगह भेजा है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे पाकिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन करीब 20 कांग्रेसी नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर मैं पाकिस्तान गया था। पंजाब के सीएम मेरे पिता समान है, मैं उनसे पहले ही बता चुका था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मेरे कप्तान राहुल गांधी हैं और मेरे सीएम साहब के कप्तान भी राहुल गांधी हैं। 20 कांग्रेस वालों ने जाने के लिए भी तो कहा था, सेंट्रल लीडरशिप ने जाने के लिए भी तो कहा था। शशि थरूर साहब का ट्वीट पढ़ो, हाँ जी, और उत्तराखंड के हरीश रावत जी का ट्वीट पढ़ो, फिर सुरजेवाला साहब का ट्वीट पढ़ो, सब सब सारी पार्टी, जाखड़ साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है बारंबार कह रहे हैं सब कुछ। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री, वो मेरे पिता समान है, मैंने उनको कहा कि जी आपके मुझे कहने से पहले मैं उन्हें वचन दे चुका था, और एक बार सिद्धू ने जबान दे दी तो ये जबान केसीआर की नहीं है या नरेंद्र भाई मोदी की नहीं है कि फट करके फिसल जाएगी, लेकिन जबान टंके की है, और जो जबान दे दी उसको छोड़ा नहीं। इन्होंने मंत्री पद ऑफर किए थे मुझे, देश से ऊपर है क्या आपकी जबान? मैं कह रहा हूं देश हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन मुझे ये बता दो कि मेरी जबान जो है उसने देश के साथ कहां अपना फर्ज नहीं निभाया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बदलेगा राजस्थान, हर गांव शहर चली खूब लहर, बदलाव की अब किलकारी, ना है बिजली पानी ना है सड़के घनी, किसानों की जान है सस्ती बनी, ना हो झूठे वादे ना फर्जी काम, हम बदलेंगे राजस्थान। हर जन को मिले अधिकार और सम्मान, अब बदलेगा राजस्थान। कांग्रेस को वोट दे, राजस्थान को विजयी बनाए। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट।